हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। यूं तो अक्सर आपने कई लोगों को मुँह से यह बातें सुनी होगी कि औरतें वो पहेली है जिसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो जवाब में हम आपको बता दें कि सृष्टि की जिस रचना को भगवान ने खुद इतनी फुर्सत बनाया हो उसे भला कोई इंसान कैसे समझ पाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब देवदूत भी उनसे ये सवाल करने पर मजबूर हो गए। ऐसे में देवदूत भगवान से यह सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि क्या तुमने अपने गुणों को देखा है। इसके बाद भगवान ने कहा कि ये मेरी वो रचना है जो हर परिस्थिति में डट कर रहती है और हर हाल में खुद को संभाल सकती है। यहाँ तक कि हालात चाहे कैसा भी हो पर फिर भी ये सबको खुश रख सकती है। इसके साथ ही सभी बच्चे को एक जैसा प्यार देती है। ये न केवल खुद का ख्याल रख सकती है बल्कि बीमार होने के बावजूद भी अपना काम करने का ताकत रखती है। इस दौरान इन सब गुणों के बारे में सुनकर देवदूत भी हैरान रह गए। फिर भगवान द्वारा बनाए गए इस रचना के पास जाकर उसे हाथ लगाकर देखा। भगवान द्वारा रची गई इस रचना के छूने के बाद देवदूत ने कहा, प्रभु ये तो बहुत ही नाजुक है। इसके जवाब में भगवान ने कहा, ये केवल बाहर से दिखने में नाजुक है पर अंदर से बहुत ही शक्तिशाली और धैर्यवान है। बहरहाल भगवान और देवदूत के बीच इस बातचीत को जानने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि आखिर स्त्री को समझ पाना इतना क्यों मुश्किल है।